2-3 दिन से एसी बिल्कुल नहीं चल रहा है, कभी एक सेकंड चलता है फिर बंद हो जाता है, ये ही करके आता है और काम बिल्कुल नहीं करता। परेशान हो गए हम लोग 2-3 दिन से, पानी पसीना ऐसा बह रहा है जैसे कोई पानी की तरह। अपना नंबर कौन दिया आपको? अरे भाई, तो आप देख रहे हो यहाँ पर है, यहाँ पर स्प्लिट एसी और इसमें एक एरर का प्रॉब्लम आ रहा है। हाय एवरीवन, एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे, जैसे कि आपका एसी E5 आ रहा है एरर, तो एसी आपका नहीं चल रहा है, तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे क्यों E5 आता है और एरर का प्रॉब्लम क्यों आता है और ये इसका कोड क्या है, तो आप लोग को इस वीडियो में डिटेल बताएंगे और किस लिए एसी हम लोग का वर्क नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो पे नया चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर। तो जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग एसी के पास पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सैमसंग का एसी है और जैसा हम लोग यहाँ पर रिमोट ऑन कर रहे हैं, रिमोट ऑन करने के बाद डिस्प्ले में हमारा एक शो हो रहा है, रीडिंग शो हो रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पर और सामने वाले पार्टी से भी पूछ लेते हैं एसी में क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं चल रहा है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग का एसी बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है और ये चल भी नहीं रहा है, ना कूलिंग आ रहा है, ना ये फैन इसका चल रहा है, ना कुछ डिस्प्ले में शो कर रहा था, कुछ उन लोग को समझ नहीं आया। चलो बात करते हैं उसको, चलो सामने वाले पार्टी को पूछ लेते हैं। एक हमारे पास एक भाई है, वो बताएंगे हम लोग का इसका प्रॉब्लम क्या है, 2-3 दिन से इनका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए ये भाई को पता है, पहले जो हम आपको बताया था ना E5 जो एरर आ रहा था इनको दिखा था, क्योंकि रिमोट जब ऑन किया तो ये फ़ोन करके बताया, मतलब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर एसी का सर्विस करने जो हम लोग रिपेयर करने आए। तो चलो पूछते हैं क्या प्रॉब्लम, क्या हो रहा था ये एसी ना कल से कि बंद चालू हो रहा था और E5 बोल के लिखा आ रहा था यहाँ पे और रिमोट जब दबाने के बाद E5। अच्छा, तो आप लोग को समझ आ गया, इनको पहले दिखा था E5। तो हम आपको बता देंगे E5 का जो प्रॉब्लम होता है वो क्यों होता है। तो चलो अभी हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताते हैं। हम लोग रिमोट से जैसा ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर 22 जो है यहाँ पर टेम्परेचर कर रहे हैं, तो हम लोग का 22 के बाद कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, एक होता है हम लोग का हाई वोल्टेज, दूसरा होता है हमारा लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में अधिकतर ये फ्लक्चुएट होता है हम लोग का, जब वोल्टेज हाफ डाउन होता है ना उस समय हम लोग का एरर आता है। तो सबसे पहले हम इसका पावर चेक करेंगे, हम लोग का जो लाइन आ रहा है मेन लाइन जो, उसमें हम लोग को पावर कितना मिल रहा है। उसके बाद स्टॉप लायर लगा होगा तो स्टॉप लायर को भी चेक करेंगे, स्टॉप लायर में भी ऐसा कुछ फॉल्ट हो जाता है उसके कारण एरर आता है 5, ठीक है। तो चलो अब हम लोग जो है इसका MCB जो एम के पास पहुँचते हैं, जो स्विच के पास, उसमें पावर चेक करेंगे एक मल्टीमीटर में। तो चलो एक बार हम लोग ऑन करके देखते हैं। जैसा हम लोग ऑन कर रहे हैं यहाँ पर 22 में टेम्परेचर किए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सिंबल जो है 22 आ रहा है और कुछ भी हम लोग का जो है यहाँ पर शो नहीं कर रहा है और ये हम लोग का एसी नहीं चल रहा है। तो सामने वाले पार्टी मेरे को कुछ और बताए थे यहाँ पर हम लोग का जो, तो देखिए हमारे पास एक क्लेम मीटर है, इससे हम लोग वोल्टेज भी चेक करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक MCB के पास क्या नज़र आ रही, इधर आइए, MCB के पास अभी एक स्टॉप लायर यहाँ पर इंस्टॉलेशन है, स्टॉप लायर जो है यहाँ पर फिटिंग है, आप देख सकते हो। तो चलो हम लोग सबसे पहले MCB ऑन करते हैं, MCB आइए यहाँ पर ऑन किए हैं और सबसे पहले आपको जो है यहाँ का जो पावर एक बार चेक करा देता हूँ इनपुट में कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इनपुट लाइन है वो चेक करना है अपने को, क्योंकि वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप होता है गर्मी के दिन में, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो ये वोल्टेज पर सेट किए और ये इनपुट में चेक कर दें कितना आ रहा है। तो चलो वोल्टेज यहाँ पर 750 पे रखें और देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। ये देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पर, 172 करीब आ रहा है, ठीक है, 173। तो हम लोग का 200 भी नहीं आ रहा है। और उसके बाद हम लोग का जो स्टेप लायर है, ये देखिए यहाँ पर आपको स्टेप लायर तो नज़र आ रहा है, फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा डिस्प्ले में 300 कितना आ रहा है, यहाँ पर 17 आ रहा था करीब, 295 कितना, 85 कितना आ रहा है, 318 हो जा रहा है, ये क्या है भाई। ये इनपुट के बाद देखते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पर जो है आउटपुट में भी ऐसा ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब हम लोग का कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है ऐसा लग रहा है स्टॉप लायर में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो वोल्टेज शो कर रहा था आपको देखे थे 270 कितना, मतलब 180 कितना आ रहा है, यहाँ पर 270 से ऊपर जा रहा आउटपुट, फिर वो चल नहीं रहा है।
तो यहाँ से हम लोग को डिस्प्ले को नहीं देखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे मल्टीमीटर, और इससे हम लोग का देखिए आउटपुट लाइन है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। चलो आपको चेक करके दिखाता हूँ ये कैसा, ये इसको चेक करना है, ठीक है। अब हम लोग जो आउटपुट वाले लाइन पे चेक करेंगे वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर टर्मिनल दिख रहा होगा आपको, इसमें आउटपुट और इनपुट लाइन, तो ये दोनों पे हम लोग टच कर रहे हैं, तो ये देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर, हम लोग जो डिस्प्ले पे नज़र तो नहीं आ रहा, 80 कितना आ रहा है। तो ये कहाँ से चलेगा भाई, आउटपुट में 80 आ रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा, 80 पे कहाँ हमारा एसी चलेगा। इसीलिए हम लोग का वोल्टेज लो के कारण हम लोग का 5 मतलब E5 एरर आ रहा था, एक हाई वोल्टेज में आता है, और नहीं तो हम लोग का ये जो वोल्टेज जब डाउन हो जाता है तब हम लोग का जो है लो वोल्टेज में ये हम लोग का E5 का एरर आता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है ये टर्मिनल इसको खोलेंगे और इसको डायरेक्ट करके अभी चेक करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये बिना स्टेबलाइजर का, तो मतलब हम लोग का 100% पता चल गया स्टेबलाइजर से हमारा फॉल्ट है, उसके कारण जो वोल्टेज नहीं जा रहा है। इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ये वाला जो केबल है इसको खोलते हैं और यहाँ पर MCB पे डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये 100% AC हम लोग का जो वर्क तो कर रहा है, और ये जो है हम लोग का स्टेबलाइजर जो केयर कंपनी का है, ये जो है फॉल्ट है, इसको बाहर करेंगे, क्योंकि हम लोग जो इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। वोल्टेज हम लोग को 220 तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 180 में हम लोग का AC अच्छे तरीके से वर्क नहीं होगा, जैसा हम लोग को चलना चाहिए वैसा नहीं चलेगा, अभी तो फिलहाल टेम्पररी चलेगा। तो इसको बाहर करते हैं दोस्तों, यहीं पर हम लोग वीडियो समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब इसको बाहर करके इसको रिपेयर के लिए दे देते हैं, ठीक है। और ये हम लोग खुद रिपेयर नहीं करते इसको, इसलिए हम लोग इसको बाहर करके इनको देते हैं, सामने वाली पार्टी को, ले इसको रिपेयर करा के लाएंगे। तो देखिए आउटपुट का जो वायर है हम लोग यहाँ से ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद जो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अब देखते हैं यहाँ से हम लोग का जो है प्रॉब्लम जो सॉल्व होता है कि नहीं, जो फॉल्ट था। इसको खोलते हैं और इसको हम लोग ना डायरेक्ट यहाँ पर MCB पे लगाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ स्टेबलाइजर की निकालने के बाद जो है ये हम लोग डायरेक्ट MCB पे कनेक्ट करेंगे और स्टेबलाइजर का कनेक्शन बाहर कर देंगे। इसके बाद हम लोग का AC चालू हो गया ना, तो हम लोग को पता चल गया 100% हम लोग का जो है स्टेबलाइजर में फॉल्ट था। पहले MCB लोग को डाउन कर लेना है, उसके बाद आपको कनेक्शन देना है, रेड देना है फेस पे और ब्लैक पे देना है हमारा न्यूटर। ये हो गया कनेक्शन कंप्लीट, अब MCB ऑन करते हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है, AC चलेगा कि नहीं, चलो आइए आपको दिखाते हैं AC चलेगा कि नहीं। रिमोट पकड़ते हैं, इधर आइए कैमरा मैन, इधर आइए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो है 22 तो आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, 22 आ रहा था ना, तो ये देखिए यहाँ पर रुक नहीं रहा था, अब देखिए रुकना भी चालू हो गया और ये हम लोग का रोलर जो है अंदर का चलना चालू हो चुका है। और अभी से देखिए ये पहले ये स्विंग जो है हो नहीं रहा था, और इसको टेम्परेचर कम करते हैं, मतलब डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा था, आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए हम लोग अपने मर्जी से सेट कर दे रहे हैं, 22 तो आ रहा था, 22 के बाद हम लोग का ब्लिंग हो रहा था, और यहाँ पर छोटा सा एरर का जो है इशू था यहाँ पर छोटा सा, ठीक है, ब्लिंग हो रहा था। और ये देखिए ये जो है इसका जो है जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये 100% तो नहीं हुआ, क्यों बताऊँ, क्योंकि स्टेबलाइजर हमारा ख़राब है, और तब तक स्टेबलाइजर हम लोग का नहीं रहेगा तो 220 हम लोग को चाहिए रहता है, और ये तो हम लोग का जो है आप देख सकते हैं इन्वर्टर AC तो है, फिर इसमें हम लोग का बिना स्टेबलाइजर का भी चलेगा, फिर वोल्टेज काफ़ी लो है, क्यों, क्योंकि मार्केट में आपको पता होगा गर्मी दिन आते हैं ना, तो उतना समय सभी का AC वर्क करता है, तो उतना समय वर्क होगा तो हम लोग का वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहता है, तो उसके लिए AC के लिए स्टेबलाइजर लगाया गया है, ताकि 220 कंटिन्यू हम लोग को वोल्टेज मिले। और वोल्टेज देखिए ना 180 आ रहा था, जब हम लोग स्टेबलाइजर के ऊपर चेक किए तो वहाँ पर टोटल 80 आ रहा था, मतलब स्टेबलाइजर से हमारा आउटपुट सही नहीं कर रहा था, ये लो वोल्टेज के कारण E5 का एरर आ रहा था। और ये देखिए इसका फॉल्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्व। तो आई होप आज की वीडियो में आप लोग को समझ आ गया होगा किस लिए हम लोग का AC का E5 आता है, E7 आता है, E4 आता है, तो उसका मतलब यही है वोल्टेज हाई वोल्टेज नहीं तो लो वोल्टेज,
वोल्टेज जो फ्लक्चुएट होता है उसके कारण ये सब कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आपका भी एसी ऐसा E5 आ रहा है तो आपको पहले स्टेबलाइजर चेक कराओ, नहीं तो आपको वोल्टेज सही से उसको सेट कराओ इलेक्ट्रिशियन नहीं टेक्नीशियन बुला के। और दोस्तों आई होप आज की वीडियो में आप लोग को समझ आ गया इसका चार्जेस कितना लेना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जो एसी वाले वीडियो देख रहे हैं हमारा। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसे से रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलते। तब तक के लिए जय हिंद बंदे आतम जी जोगन। थैंक यू भैया, दो दिन से परेशान थे। तो भाई एक दो दिन से इन लोग परेशान हैं और एसी वाले टेक्नीशियन को बुला बुला के थक गए थे। और मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं इनका घर का जो सॉल्व करता हूँ। ये भाई बोल रहा है मैं दो दिन से हम लोग बुला रहे हैं एसी वाले को और कोई भी आया नहीं, तो भैया आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कुछ बोलना? थैंक यू भैया, दो दिन से परेशान थे।